बंद करो, बंद करो। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर निर्माण बंद करो। केदारनाथ धाम दिल्ली में मंदिर बन रहा है, हम धाम नहीं बना रहे, ये अनावश्यक तूल पकड़ा जा रहा है। दिल्ली में केदारनाथ धाम की तर्ज पर बनाए जा रहे मंदिर को लेकर अब चारों धामों में विरोध हो रहा है। इसके बाद अब दिल्ली केदारनाथ धाम के ट्रस्ट के सदस्यों के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। वे निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरिजी महाराज कह रहे हैं कि केदारनाथ मंदिर का निर्माण कोई भी कर सकता है। आज इसी पर बातचीत करेंगे और साथ ही दिल्ली के बुराड़ी में जहाँ ये मंदिर बनने जा रहा है वहाँ से सीधा रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का उत्तराखंड और मैं हूँ आपके साथ सरिता तिवारी। 10 जुलाई को दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ धाम की तर्ज पर दिल्ली में बनने जा रहे मंदिर के लिए भूमि पूजन किया था, जिसके बाद इसके विरोध में स्वर सुनाई देने लगे। केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों ने इसका विरोध किया, तो वहीं बद्रीनाथ धाम में भी आज ब्रह्म कमाल तीर्थ पुरोहितों ने और साथ ही पंडा पुरोहितों में नारेबाजी कर विरोध उन्होंने किया है। साथ ही गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भी तीर्थ पुरोहितों ने दिल्ली में बन रहे केदारनाथ मंदिर का विरोध किया और मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। केदारनाथ मंदिर की सिला रखवा रहे हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं क्या दिल्ली में जाकर के इतनी बड़ी धाम बचाओ, बंद करो, बंद करो। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर निर्माण बंद करो। अभी केदारनाथ धाम का मंदिर दिल्ली में बनाया जा रहा है, हम इसका विरोध करते हैं। केदारनाथ की जो महिमा है वही रहनी चाहिए, दूसरा मंदिर नहीं बनना चाहिए। हम इसके लिए सभी लोग तीर्थ पुरोहित समाज एकजुटता से इसका विरोध करते हैं। बोल भगवान बद्री विशाल की। इसके अलावा शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने भी इसके विरोध में आवाज उठाई थी और कहा है कि केदार का पता हिमालय में है तो दिल्ली में कैसे बना सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा था कि केदारनाथ धाम में घोटाला कर अब दिल्ली में भी दोबारा घोटाला करना चाहते हैं। सोने का घोटाला हो गया, आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहाँ पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहाँ पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया, ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया, कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्यों भाई इस बारे में निर्णय नहीं होता है? और आप कहेंगे हम दिल्ली में ही केदारनाथ बना लेंगे, ये नहीं हो सकता। वहीं अब श्री केदारनाथ धाम ट्रस्ट दिल्ली के अध्यक्ष सुरेंद्र रौतेला ने कहा है कि इस पर बेवजह राजनीति की जा रही है और अब सभी की भावनाओं का आदर करते हुए दिल्ली में केदारनाथ के नाम से बनने जा रहे मंदिर का नाम बदलने का निर्णय लिया और इसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। की बात कर रहे हैं, केदारनाथ धाम दिल्ली में मंदिर बन रहा है, हम धाम नहीं बना रहे, ये अनावश्यक तूल पकड़ा जा रहा है। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे उस कार्यक्रम में भूमि पूजन के लिए हम सब लोगों की रिक्वेस्ट पे वहाँ गए थे, वो तो धर्म रक्षक हैं, वो तो धर्म के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। चारधाम जो यात्रा है उन्होंने बहुत सुगम और अच्छे तरीके से चलाई है, पूरे उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। तो हमने हमारी रिक्वेस्ट थी कि वो लोग वहाँ पे आ जाएं और हमारे भूमि पूजन में हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, उत्तराखंड की संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, केदार का नाम आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए हम उनको यहाँ बुलाया था। हमारे कहने रिक्वेस्ट भी वहाँ गए थे, लेकिन उनका उस मंदिर से कोई योगदान नहीं है, उनका कोई लेना देना नहीं है, उस ट्रस्ट में उनका कहीं नाम नहीं है और ना ही उत्तराखंड सरकार का किसी तरह से कोई योगदान हमें मिला है और ना हमने उनसे मांगा है कभी भी। लेकिन अब जिस तरीके से विरोध हो रहा है केदारनाथ धाम को लेकर, तो क्या आप मंदिर का नाम चेंज करने पर विचार विमर्श करेंगे? बिल्कुल, हमें जब से पता चला है मीडिया के थ्रू या अखबारों के थ्रू कि कुछ लोगों को आपत्ति है कि ये केदारनाथ धाम नहीं होना चाहिए, केदारनाथ मंदिर नहीं होना चाहिए, यदि कि जिन श्रद्धालुओं को या पुरोहितों को या किसी समाज को हमारी इस नाम से आपत्ति है, ये वो आहत हुए हैं, तो हम जरूर इसके लिए नाम के लिए हमने अपनी कमेटी में बात कर ली है, हम नाम चेंज करने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। अब ट्रस्ट के इस फैसले के बाद केदारनाथ धाम में प्रदर्शन कर रहे तीर्थ पुरोहित काफी खुश नजर आ रहे हैं। जो हमारे इस आंदोलन के संचालक महोदय थे और आपकी आज्ञा हुई, सर्वप्रथम मैं भगवान श्री केदारनाथ जी को प्रणाम करते हुए, भैरवनाथ जी को प्रणाम करते हुए और सभी आंदोलनकारी तीर्थ पुरोहित साधु सन्यासी जितने भी लोगों ने हमारे इस आंदोलन में भाग लिया है सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। माननीय अध्यक्ष श्री राजकुमार तिवारी जी जो है मुख्यमंत्री से मिले हैं और मुख्यमंत्री जी ने हमें पूरा आश्वासन दिया है श्री केदारनाथ धाम जो बुराड़ी में बनने जा रहा है ये नाम उन्होंने तत्काल हटा दिया है। यदि रौतेला जी ने जबरदस्ती कर दिया है तो हम लोग कोर्ट भी जा सकते हैं और हम तब तक आंदोलन तोड़ेंगे नहीं जब तक जो है इन्होंने ये जो केदार का स्वरूप है और जो केदारनाथ के नाम से जो मंदिर बुराड़ी में बन रहा है तत्काल उनको ये स्वरूप बंद करना होगा
जो यहाँ का QR कोड नंबर उन्होंने रखा है वो भी उनको बंद करना पड़ेगा। वही स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज का कहना है कि कोई भी केदारनाथ मंदिर का निर्माण करा सकता है। आइए सुनिए। सिद्धि के रूप में थे बहुत सारे महात्मा, बहुत सारे साधु संत, बहुत सारे राजनेता, बहुत सारे मीडिया के बड़े जर्नलिस्ट उस कार्यक्रम में उपस्थित थे। मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि केदारनाथ मंदिर का निर्माण कोई भी कर सकता है। केदारनाथ मंदिर के नाम से मंदिर का निर्माण किया जा सकता है। जहां रहा केदारनाथ धाम, तो धाम तो केवल उत्तराखंड में चार ही है हमारे। केदारनाथ धाम है, बद्रीनाथ धाम है, गंगोत्री धाम है और यमुनोत्री धाम है। आइए ग्राउंड पर लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी ने दिल्ली में श्री केदारनाथ धाम के ट्रस्ट दिल्ली के सदस्य से बातचीत की है, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है आइए सुनिए। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम की तर्ज पर दिल्ली में भी केदारनाथ मंदिर जो है वो बनाया जा रहा है और इसको लेकर के कंट्रोवर्सी भी जो है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड के तमाम जो पुजारी हैं, शंकराचार्य हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। बुराड़ी के बख्तावरपुर में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर केदारनाथ मंदिर जो है वो बन रहा है और उसको लेकर के भूमि पूजन भी जो है वो हो चुका है। लेकिन इसको लेकर के जिस तरीके से कंट्रोवर्सी हुई है उस पर अब कहीं ना कहीं सवाल जो है वो खड़े होने शुरू हो गए हैं। इसका भूमि पूजन भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कई महामंडलेश्वर भी जो है वो पहुंचे थे। हमारे साथ मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग हैं। जितेंद्र जी, ये बताइए कि सर क्या मकसद है और किन किन लोगों ने इसका उद्घाटन जो है वो किया भूमि पूजन? नमस्कार, पहले आप सभी दर्शकों को। सर, इसको बनाने का मकसद ये है कि जो हमारा मंदिर, जो सनातन धर्म में मंदिर की वैल्यू होती है, सब लोग उस पर, क्योंकि भगवान शंकर पे सभी की आस्था है और भगवान शंकर पे जिसकी भी आस्था होगी वो मंदिर में दर्शन करने जरूर आएगा। तो यही है कि जो भी यहाँ मंदिर निर्माण हो रहा है उसमें सभी लोग आए और दर्शन करें। और इसका भूमि पूजन कार्यक्रम 10 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के कर कमलों द्वारा और आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी के द्वारा किया गया था। लेकिन सवाल यह है कि अब इस मंदिर को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं शंकराचार्य, मंदिर के पुजारी केदारनाथ धाम के, वो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आप नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, धाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, धाम तो सिर्फ एक ही है। देखिए, हम केदारनाथ धाम का नाम का इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम केदारनाथ मंदिर बना रहे हैं। और जो केदारनाथ धाम है वो एक ट्रस्ट है और ये कि निजी ट्रस्ट है। इस निजी ट्रस्ट के द्वारा इस मंदिर का भव्य और दिव्य निर्माण किया जा रहा है। और कुछ लोग इस बात को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं उत्तराखंड में, तो मैं उन सभी से चाहता हूँ कि क्योंकि मंदिर बनाना एक अच्छा कार्य है और हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए सब लोग हमारे साथ इसमें हमारा सहयोग करें। इसका अगर फंड की बात करें तो कहाँ से इसका फंड जो आ रहा है, कौन इसके ट्रस्टी हैं, कौन कौन इसका फंड दे रहा है? इसके जो जनता है और जो इसके ट्रस्टी हैं वो लोग के सबके सहयोग से ये मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है। ये सवाल है। अब तो अब इसके साथ साथ ये भी है कि मुझे ये भी जानना है कि कितने एकड़ के अंदर फिलहाल ये मंदिर जो है वो बनने जा रहा है, कितना ये भव्य मंदिर होगा? ये मंदिर काफी भव्य और दिव्य होगा और लगभग 3 एकड़ की भूमि पर ये मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। अच्छा, ये बताइए कि कितना ये विशाल मंदिर होगा, कितने लोग जो है वो एक बार में यहाँ पर दर्शन जो है वो कर सकते हैं? ये मंदिर बहुत ही विशाल और दिव्य और भव्य बनेगा। और देखिए, मंदिर में तो लगातार सुबह से शाम तक दर्शन, क्योंकि जब से मंदिर का निर्माण हो जाएगा और दर्शनों के लिए, भक्तों के लिए खुलेगा, तो लगातार भक्त आएंगे और दर्शन करेंगे। और इस प्रकार की मंदिर कमेटी की तरफ से व्यवस्था की जाएगी कि हजारों संख्या में लोग यहाँ पे दर्शन कर सकें। अच्छा, इसमें अगर मैं ये जानना चाहूँ तो इसका जो पत्थर है, सरिया है, वो कहाँ से, कितने दिन में ये तैयार हो? मंदिर निर्माण लगभग का जो समय हमें मिला है वो तो लगभग 2 से 2.5 साल के बीच में हम लोग इस मंदिर का निर्माण जो करने की हमारी जो प्लानिंग है वो है। और रही बात पत्थर की, तो जो भी प्लानिंग हो रही है वो हजारों साल के लिए इस मंदिर का निर्माण किया है, ताकि आने वाले कई पीढ़ियों तक जिस तरह से दर्शन बाबा केदार के होते हैं, सभी लोग यहाँ पे भी आके दर्शन कर सके। किस तरीके का ये मंदिर होगा, क्या उसी तर्ज पर रहेगा मंदिर जैसे केदारनाथ धाम है, उसी तरीके से होगा ये मंदिर? केदारनाथ की जो है प्रतिकृति यहाँ पर बनाई जा रही है, तो उसी तर्ज पे हम लोग बना रहे हैं, लेकिन उससे थोड़ा भिन्न होगा। क्योंकि देखिए, वो मंदिर सतयुग में बनाया गया है और आज वो जो चीज है वो मिलना भी संभव नहीं है यहाँ पे। वो पत्थर जो वहां लगा है वो आज खोज पाना भी हमारे लिए असंभव है। तो लेकिन हाँ, हमारी कोशिश रहेगी कि मंदिर दिव्य बने, भव्य बने और जितने भी श्रद्धालु हैं यहाँ आके वो दर्शन प्राप्त कर सके बाबा का, जिनकी बाबा में श्रद्धा है वो लोग आए और यहाँ दर्शन करें। लगभग कितने मजदूर लगेंगे और कितने टाइम पीरियड में ये पूरा बनके तैयार होगा?
लगभग 2 से 2.5 साल का समय हमारे को जो अभी मिला है प्लानिंग है, और देखिए मंदिर बनने में कितना समय लगता है, लेकिन हमारा जो एस्टीमेट है कि 2 से 2.5 साल में मंदिर बनके तैयार हो जाएगा। हाइट कितनी होगी एग्जैक्टली बताना तो पॉसिबल अभी है नहीं, क्योंकि जो मेजरमेंट है वो अभी आर्किटेक्ट के थ्रू हमारे पास, क्योंकि उस पर भी काम चल रहा है, तो एग्जैक्ट बताना थोड़ा सा अभी पॉसिबल नहीं होगा आप लोगों को। लेकिन यह है कि जो भी मंदिर बनेगा वो बहुत विशाल और भव्य दिव्य बनेगा, जिससे कि आने वाले कई पीढ़ी तक कई लोग इसके जो दर्शनों के बाबा के दर्शनों के लाभ उठा सकेंगे। कहा जा रहा है कि जो इसमें पत्थर का इस्तेमाल होगा वो उत्तराखंड से भी लाए जाएंगे, ऐसा भी है? देखिए ये तो अभी कह पाना संभव नहीं है कि उत्तराखंड से लाया जाएगा, क्योंकि कई स्टेटों पे बात चल रही है, लेकिन देखिए जैसा भी होगा वो सबके सामने होगा, और कोई भी चीज हम छुपा के या गलत काम तरीके से नहीं कर रहे हैं, जो भी होगा सबके सामने होगा। एक साथ कितने लोग यहाँ पर दर्शन कर पाएंगे? एक साथ यहाँ पे कम से कम 2-2.5 हजार लोग एक साथ दर्शन कर, लेकिन हम ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि लोग सुबह से लेकर शाम तक यहाँ जब भी मंदिर खुला रहेगा तो हजारों की संख्या में यहाँ लोग आएंगे और दर्शन करेंगे। तो फिलहाल इसी के साथ इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।